हाँ, जा रही है आवाज़। हेलो, स्टार्ट कर दें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सा सेक्शंस देखा था बोलो। हम लोगों ने टैक्स रेट्स देख लिए थे, हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी में जो सेक्शन 24B में अमेंडमेंट आया था, इट हैज़ बीन ऑलरेडी कंसीडर्ड। सेक्शन 32 ACPGBP में इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस, जिसमें 100 करोड़ और 25 करोड़ का लोचा था। उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 35AD देखा था, स्पेसिफाइड बिजनेस, और उस स्पेसिफाइड बिजनेस में दो ऐड किए गए थे, स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर एंड सेमीकंडक्टर वेफर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने का। और मैंने बताया था सेक्शन 35AD इज ए स्पेसिफिक वन बिकॉज इट अलाउड 100% कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर्स, दैट्स इट। ये भी याद रखना, जो उस समय मैंने नहीं बताया था, अमेंडमेंट तो नहीं है लेकिन हाँ सुन लो, सेक्शन 35AD कहता है इन तीन चीज़ों की डिडक्शन हम नहीं देते, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लैंड एंड गुडविल। ये याद रखना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लैंड एंड गुडविल, इनकी हम डिडक्शन नहीं देते। ये सेक्शन 35AD साफ साफ बोलता है और ये दैट इज नॉट योर अमेंडमेंट, पहले दिन से ही है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 37 PGBP के। सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 में कुछ अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या, दो एक्सप्लेनेशंस ऐड किए गए हैं। क्या ऐड किए गए? टू मोर एक्सप्लेनेशंस हैज बीन एडेड फॉर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1। सेक्शन 37(1) जो बोलता है, क्या बोलता है ये सेक्शन, कहता है आपने डिडक्शन मांगी 30 में, 32 में, 33AB में, 33ABA में, याद है कि नहीं याद है सब? अच्छा सुन लो, इसने कहा कि आपने सेक्शन 30 में आपने डिडक्शन मांगी थी प्लांट बिल्डिंग पर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, सेक्शन 31 प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर पर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का डिडक्शन, सेक्शन 32AC जो नया आया है वो, सेक्शन 33AB टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट का डिडक्शन, सेक्शन 33AB साइट रेस्टोरेशन फंड, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35AB टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस लेने पर जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस होता है उसका डिडक्शन 100% कैपिटल नेचर अगेन। अच्छा, सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा? चलो सेक्शन 36, कुछ छूट गया हो तो माफ करना, सेक्शन 36 क्या है, अदर डिडक्शंस। और जो अब हम लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेक्शन 37 सब सेक्शन 1, जिसको हम कभी कभी रेजिड्यूरी सेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बचा खुचा सेक्शन। कौन सा सेक्शन? बचा खुचा, खुचा क्या सेक्शन? हाँ क्यों, आज क्यों रहे भाई? ये कहता है कि सेक्शन 32-36 आपने डिडक्शन ले ली, दैट इज ओके। इफ यू हैव गॉट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 32-36 देन दैट इज ओके, बट दे आर सो मेनी अदर रेवेन्यू टाइप नेचर एक्सपेंसेस विच आर टू बी इनकर्ड स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। क्या उन एक्सपेंसेस की डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए? क्या सारे एक्सपेंडिचर हम लोगों ने इसमें कवर कर लिए? ना बाबा ना,
कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनकी डिडक्शन इसमें नहीं मिल पाई। अगर कोई ऐसा डिडक्शन, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो 30 to 36 में नहीं आता, कोई भी ऐसा डिडक्शन जो सेक्शन 30 to 36 में नहीं आता, कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो 30 to 36 में नहीं आता, बिजनेस के लिए है, प्रीवियस ईयर में किया गया है, रेवेन्यू नेचर का है, कैपिटल नेचर का नहीं है, पर्सनल नेचर का नहीं है, तो मैं हूं ना। ये सेक्शन क्या बोलता है? मैं हूं ना शाहरुख खान, पक्की बात है ना? क्या बोलता है ये सेक्शन कि अगर कोई डिडक्शन 30 to 36 में नहीं मिल पाई, पहली चीज, और वो एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए किया गया, रेवेन्यू नेचर का था, प्रीवियस ईयर में किया गया, कैपिटल नेचर का नहीं है, पर्सनल नेचर का नहीं है, तो मैं हूं ना, हम उसकी छूट दे देंगे, पक्की बात। ये बोलता था सेक्शन 37(1). तो सर इसमें अमेंडमेंट क्या आया? पहला एक्सप्लेनेशन 1 हैज बीन एडेड। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि लोग क्या करते हैं, एक्सटॉर्शन मनी, ब्राइब्स, घूस, जबरदस्ती, हफ्ता वसूली लोग करते थे और लोग उनको पेमेंट करते थे, और उसके बाद गवर्नमेंट कहती थी हम इसकी छूट नहीं देंगे। हाँ भाई बिल्कुल सही है, छूट ना दो, और उसके बाद हम केस फाइल कर देते थे। अरे केस फाइल कर दिया, उस हफ्ता की, उस एक्सटॉर्शन मनी का या उस ब्राइब्स वगैरह की छूट तो नहीं मिलती थी। वी वेयर रेडी फॉर दैट कि वी कैन नॉट गेट द डिडक्शन एट ऑल फॉर दोज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विच आर इलीगल, विच आर इलीगल। बट वॉट अबाउट दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन पुट बाय मी फॉर द पर्पज ऑफ, मीन्स फॉर क्रिएशन अ लिटिगेशन। हमने एक लिटिगेशन, हमने एक विवाद खड़ा कर दिया, हमने केस डाल दिया, केस फाइल कर दिया, और केस चल रहा है, और जो केस पर खर्चे हो रहे हैं उसका डिडक्शन मांग रहे हैं, और लोग मांगते थे और दे भी दिया जाता था। कहा गया ना, अब अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है इलीगल पेमेंट्स के ऊपर, दोज एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउबल एट ऑल। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ऐड हुआ है। क्या बोलता है? फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, आपके संदेह को हम दूर करते हैं। क्या? It is hereby declared that any expenditure incurred by an SEC for any purpose which is an offence or which is prohibited by law, कोई भी ऐसा expenses जो किया गया हो ऐसी चीजों पर जो prohibited by law हो, जिनको कानून करने से मना करता है, shall not be deemed to have been incurred for the purpose of business or profession and no deduction or allowances shall be made in respect of such expenditure. The above amendment will result in disallowances of claims made by certain SSC in respect of payment, protection money, extortion money, hafta vasooli, bribes, etc. These type of expenditures are illegal payment and any litigation expenses has been made towards that will not be allowed at all. Clear? तो ये doubt दूर कर दिया गया। दूसरा, एक और explanation add किया गया, एक्सप्लेनेशन नंबर 2। अच्छा ये भी याद रखना कि ये जो खर्चे थे पहले भी अलाउड नहीं होते थे, लेकिन लिटिगेशन में जा करके बाद में सॉल्यूशन दिया जाता था। अब उसको सीधे बोल दिया गया है ये एक्सप्लेनेशन डाल करके कि इसको डाउट में रखने की जरूरत नहीं है, हम इस चीज़ को खोल करके बोल दे रहे हैं कि अगर आपने इन पर कोई एक्सपेंडिचर किया बेटा तो आगे मत बढ़ो, क्योंकि इसका कोई डिडक्शन मिलने वाला है नहीं, बाद में जाकर वैसे ही हम इसको हटा देंगे। तो डाउट्स को केवल दूर किया। चलो दूसरा पॉइंट, CSR का नाम सुने हो? CSR का नाम सुना है? कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, अच्छा वो किताब का नाम है। CSR का नाम सुना है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें उसकी बात करनी थी। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनियों के ऊपर एक बर्डन का तो डाल दिया गया, अब चाहे बेटा आराम प्यार से मान लो या जबरदस्ती। अगर कंपनी का टर्नओवर इतने से अधिक है, अगर कंपनी का नेटवर्थ इतने से अधिक है, अगर कंपनी की प्रॉफिट इतने से अधिक है, लिमिट्स बांधी गई हैं, और हमें नहीं लगता हमें वो सब चीज़ें तुम लोग को बतानी चाहिए क्योंकि वो कंपनीज एक्ट का पार्ट है
और तुम लोग को खुद देखना चाहिए, कहोगे तो अभी हम बता देंगे, 1000 करोड़, 500 करोड़ एंड 5 करोड़ की लिमिट है, उसके बीच में हम लोग को नहीं जाना फिलहाल। जो मेरा पर्पज़ है यहाँ इनकम टैक्स से रिलेटेड है, मैं उसी पर ही कंसंट्रेट करूँगा। तो जो लिमिट्स हैं देख लेना, 1000 करोड़ का टर्नओवर है, 500 करोड़ की नेटवर्थ है और 5 करोड़ का तुम्हारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। फिलहाल हम वहाँ नहीं जा रहे। अगर कोई कंपनी इन लिमिट्स में आती है तो उसको अपने प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खर्च करना पड़ेगा। सर, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो, गवर्नमेंट केवल खर्च करती है, केवल गवर्नमेंट खर्च करती है लोगों के ऊपर, क्यों ना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए उन कंपनियों पर जो ज़रूरत से ज़्यादा कमाती हैं या जिनका एक अमाउंट एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है। आप भी आओ ना सोशली, आप अपना काम करो, केवल कमाने के लिए बैठे हो दुनिया में, कंपनी खोले हो, एनवायरमेंट को ख़राब करना है केवल तुम्हारा काम, बोलो। अरे बोल क्यों नहीं रहे हो, पानी खराब कर रहे हो, हवा खराब कर रहे हो, जमीन खराब कर रहे हो, सब खराब कर रहे हो, कंपनी बनाए जा रहे हो। अरे कुछ लोगों के लिए भी ध्यान दो। तो वहाँ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा, उसका एक शेड्यूल है, उसके हिसाब से कंपनियों को खर्च करना पड़ता है। अब लोग क्या कहते थे सुनना, कहा गया कि अगर कोई कंपनी CSR पर खर्च कर रही है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, तो क्या वो खर्चे का डिडक्शन मिलना चाहिए या नहीं? सच सच बताना तुम लोगों के मन में क्या है, बताओ तुम्हारे दिल में क्या है, मिलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, बस यही तो डाउट था। पूछो क्यों? अब जब खर्चे की तरह डिडक्शन ले ही लोगे तो बेटा टैक्स भी तो फिर बचा लिए। हम तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाल रहे थे कि इतना कमाते हो इतना खर्च करो, और खर्चे की तरह ले लोगे तो फिर टैक्स भी तो बचा लिया। वो काम नहीं होने देंगे बेटा, नहीं समझे, पर्पस समझो। तो CSR पर अगर कोई कंपनी खर्ची करती है तो अब बताओ आपके दिल में क्या है, क्या डिडक्शन मिलना चाहिए? बात खत्म, नहीं मिलना चाहिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 यही है कि एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है अगर कोई कंपनी CSR पर एक्सपेंडिचर करती है तो बेटा उसका डिडक्शन ना लो, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। दैट्स इट। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, है? हम लोगों ने कौन कौन से सेक्शंस देख लिए, सेक्शन PGBP में 32AC, 35AD एंड 37 के 2 एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं सेक्शन 40a, इसमें भी कोई अमेंडमेंट आया है? हाँ जी, इसमें भी अमेंडमेंट आया है। हम यहाँ पर तुम लोग को पुराना रूल नहीं बताएंगे, अगर मैं पुराना और नया बता दूँ तो स्टार्ट टू गेट द कन्फ्यूज़न इन दैट, आप उसके जाल में फंस जाओगे, ठीक है ना? क्योंकि है लंबा टॉपिक, उसको बताऊँ, उसके रूल्स बताऊँ, फिर इसको बताऊँ, इसके रूल्स बताऊँ, उससे अच्छा है जाने दो पुराने वाले को, दिमाग को बिल्कुल फ्रेश माइंड से नई चीज़ें डाल दो। नहीं समझी मेरी बात? क्या ज़रूरत है उन पुरानी चीज़ों को पढ़ने की जो तुम्हारी एग्ज़ाम में आनी नहीं, पहली चीज़। और ज़रूरत क्या है, अगर इतना उलझा हुआ सेक्शन है तो क्यों ना सुलझी हुई चीज़ें पढ़ लें, या जो उलझी हुई चीज़ें जो हमारे एग्ज़ाम के लायक हैं उन्हीं को पढ़ लें, उतने तक ही रेस्ट्रिक्ट रखते हैं अपने आप को। क्या कहता है ये सेक्शन अब, क्या कहता था छोड़ दो, उलझना है तो बोल दो, पहले हम पुराना बताएं, मज़ा आएगा, समझ में जब आ जाएगा फिर मैं नया बताऊँ सही क्या हो गया, पुराना कहाँ गया, तो उलझ जाओगे और घर जाते जाते बीमार हो जाओगे। अरे तो उससे अच्छा है कि हम लोग बीमारी को दूर रहने दें। मैं एक बार पढ़ देता हूं, उसके बाद उसको टुकड़ों में तोड़ करके तुम लोग बताऊंगा। एनी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, any interest, royalty, fee for technical services, or other sum chargeable under this act, which is payable outside India,
कोई भी ऐसा अमाउंट जो इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, या कोई दूसरा कोई एक्सपेंडिचर है जिसको मुझे चार्ज, जिस पर मेरा टैक्स लगता है, विच इज चार्जेबल टू टैक्स, और जिसको मैंने पेमेंट किया है इन इंडिया, नहीं बेटा आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया नहीं आउटसाइड इंडिया, या फिर इन इंडिया किसी नॉन रेसिडेंट को, या तो हम विदेश में किसी दूसरे बंदे को पेमेंट दे, तो एक तरह से नॉन रेसिडेंट को पेमेंट दिया, अब नॉन रेसिडेंट हिंदुस्तान में आया उसको पेमेंट दे दिया, तो भी तो नॉन रेसिडेंट को ही दिया, बात समझना। तो कहा गया विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया टू अ नॉन रेसिडेंट और टू अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी हमेशा नॉन रेसिडेंट होती है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, नहीं भी लिखा रहता तो भी दिमाग में आता नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी हमेशा होती है। चलो मैं फिर से पढ़ता हूँ, एनी इंटरेस्ट रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और अदर सम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट इज पेड और पेबल आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया टू अ नॉन रेसिडेंट और टू अ फॉरेन कंपनी, क्लियर है, ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स, जिस पर TDS लेस होना था, चार्ज किया जाना था, जिस पर TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स चार्ज किया जाना था एंड सच हैज नॉट बीन डिडक्टेड, पहली लाइन मैंने बोली, मैंने क्या बोली, एंड सच TDS हैज नॉट बीन, ढंग से सुनना क्या लिखा है, बस अपने आप दो मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा, एंड सच TDS हैज नॉट बीन डिडक्टेड और आफ्टर डिडक्शन, और आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट गिवन अंडर सेक्शन 139, और आफ्टर डिडक्शन, अच्छा हम इसको लिख सकते हैं ना, आफ्टर डिडक्शन क्यों लिखें, क्यों हम इतनी टेक्निकल लैंग्वेज में जाए, थोड़ी सी लैंग्वेज इजी बना दें, और TDS हैज बीन डिडक्टेड लिख सकते हैं, बट नॉट पेड टिल ड्यू डेट्स अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न्स की ड्यू डेट होती है, पक्की बात है ना, 139(1) रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट्स होती हैं। अब दो चीजें बोला कि कोई ऐसा सम चाहे कोई भी हो जो TDS जिस पर चार्ज करना था, जिसको मैंने आउटसाइड इंडिया पेमेंट किया या इन इंडिया किसी नॉन रेसिडेंट को दिया या नॉन कंपनी को दिया, फॉरेन कंपनी को, जिस पर मुझे TDS चार्ज किया जाना था, या तो मैंने TDS चार्ज नहीं किया, या मैंने चार्ज किया था लेकिन 139(1) की डेट के पहले तक मैंने उसको पेड नहीं किया, तब हाँ या ना, उसका डिसअलाउंसेस हो जाता है, क्या हो जाता है, डिसअलाउड हो जाता है, सोचना ही नहीं है, सोचो ये खर्चा डिसअलाउड हो गया, कोई भी ऐसा अमाउंट जिस पर TDS चार्ज किया जाना था, सुन लियो, जिस पर TDS चार्ज किया जाना था एंड सच TDS हैज नॉट बीन डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर, बोल सकते हो, ऐड कर दिया, या फिर TDS चार्ज हो गया था कब, इन प्रीवियस ईयर, बोल सकते हो, बट नॉट पेड टिल सेक्शन 139(1) की ड्यू डेट्स के हिसाब से, तो जो हमने खर्च किया है, एक्सपेंडिचर किया है, वो पूरा का पूरा डिस अलाउड होगा, ये अलाउड कब होगा, प्रोवाइडेड दैट, एक प्रोविजो जोड़ा गया और इसी में ही अमेंडमेंट है, यहां तक तो पिछले साल भी बोलता था, अब क्या अमेंडमेंट है ढंग से देख लो, प्रोवाइडेड दैट वेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सच सम टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर, ओके, अगर हमने TDS प्रीवियस ईयर में नहीं चार्ज किया तो अब तुम लोग बताओ कि TDS डिडक्टेड इन नेक्स्ट ईयर, बोल सकते हो, सेम प्रीवियस ईयर में नहीं है तो अगले साल, और या फिर आगे चले, हैज बीन डिडक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर,
हाँ बोल तो रहा है टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर, बट व्हाट अबाउट द पेमेंट, बट पेड आफ्टर द ड्यू डेट, हाँ प्रॉब्लम कहाँ आएगी, टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट पेड डिसअलाउड, पेड आफ्टर ड्यू डेट बोल सकते हो ना, देखो ना इन्हीं दोनों को तो रेफरेंस करने के लिए बना, बट पेड आफ्टर ड्यू डेट सच सम शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन इन द ईयर इन विच टैक्स मीन्स टीडीएस हैज बीन पेड, टैक्स मतलब टीडीएस, ओके यानी अब हम अलाउड करने की बात करते हैं, मेरी बात समझना, पहले किसकी बात की मैंने और अलाउड कब कर रहे हैं, अलाउड इन प्रीवियस ईयर इन विच टैक्स इज पेड, टीडीएस इज पेड बोल सकते हो ना, ये हमारा नया प्रोविजन है और सिंपल है या टफ है, इसी को ही रेफर करते हुए बनाया, कहा कि पिछले साल देखो ना तुमको टीडीएस चार्ज करना था, टीडीएस नहीं चार्ज किए, डिसअलाउड हो गया, अब अलाउड होगा जब आप उसका टीडीएस चार्ज करेंगे, यहाँ टीडीएस चार्ज कर चुके थे, ड्यू डेट तक आपने जमा नहीं किया था तो आपको पिछले साल में डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी जिस साल आप उसका पेमेंट करेंगे, अरे कितना आसान है, कोई टेंशन है क्या, बता दें और टेंशन दे दें, सिंपल है, नहीं 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 ये नहीं करो, हाँ सर बता ही दीजिए, चलो छोड़ो, समझ में आया, ये सेक्शन 40 स्मॉल ए कहता है कि अगर कोई टीडीएस जिसको चार्ज किया जाना था इंटरेस्ट रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और एनी अदर सम विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट हैज बीन पेड टू नॉन रेसिडेंट आउटसाइड टू हैज बीन पेड आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया टू अ नॉन रेसिडेंट और टू अ फॉरेन कंपनी एंड द टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड एंड ऑन विच द टीडीएस वॉज सब्जेक्ट मैटर टू चार्ज बट the TDS has not been deducted in the previous year, no deduction will be allowed, but will be allowed in the year in which it will be deducted at all, first thing, second, tax has been deducted already in the same previous year, but has not been till the date of the return of income date, but allowed in that year in which will be paid, that's it, simple hai bahu, kya soch rahe hai isme, ye to sir samajh mein aa gaya, क्या होगा एक इसके साथी का अगर हम रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं और कोई भी ऐसा सम जिस पर टीडीएस चार्ज किया जाना था और उस पर हमने टीडीएस चार्ज नहीं किया या टीडीएस चार्ज किया था और ड्यू डेट तक उसको जमा नहीं किया, अगर ये केस रेजिडेंट का हो जाए सर जी तो क्या बात है, मज़ा तो आना ही आना है, बोलो आगे चल सकते हैं, अब रेजिडेंट की बात करते हैं, अगर मैंने किसी रेजिडेंट को कोई पेमेंट किया है और ऐसा पेमेंट जिस पर टीडीएस चार्ज किया जाना था तो कहा गया जितना भी आपने एक्सपेंडिचर किया है उसका 30% डिसअलाउड हो जाएगा, पूरा नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउड होता था फॉरनर को पेमेंट करने में, लेकिन अगर आपने रेजिडेंट को पेमेंट किया है तो उस केस में केवल टोटल खर्चे का 30% डिसअलाउड होगा, देखो तो गवर्नमेंट ने आपका कितना ख्याल रखा है, पिछले साल तक ये ख्याल नहीं रखा था उन्होंने, पूरा डिसअलाउड हो जाता था, लेकिन इस साल से ख्याल रखा है, हमें ख्याल है आपका, 30% ऑफ एनी सम पेबल टू अ रेसिडेंट ऑन विच टीडीएस एंड सच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड और आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड टिल द डेट ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम, कोई नई चीज तो मैंने बोली क्या, बस नॉन रेजिडेंट की जगह क्या बोल दिया, रेजिडेंट, वहां 100% डिसअलाउड होता था, यहाँ कितना डिसअलाउड होगा, 30% डिसअलाउड हो जाएगा, ठन ठन गोपाला 30%, बाकी सब अलाउड हो जाएगा, सोचो खुशियां मनाओ किसके लिए, 70% के लिए, 30% के लिए भी अभी आपको रोने की जरूरत, आपको गवर्नमेंट ने फिर से कंसेशन दी, गवर्नमेंट ने कहा चलो पहले आगे मैं बता दूं,
प्रोवाइडेड दैट वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सम टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर। तो सर आपने कुछ नया तो बताया ही नहीं, इसमें भी आपने बताया कि अगले साल अगर वो TDS घट जाए या हैज बीन डिडक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट पेड आफ्टर द ड्यू, ओके तो यही तो बताया आपने, सेम वही मैं बोल रहा हूँ। अंतर यह है नॉन रेजिडेंट के केस में 100% डिसअलाउड होता था और रेजिडेंट के केस में कितना 30% डिसअलाउड हो। अब अगर हम सही समय पर यह पेमेंट कर दें, इस समय पर सही समय मतलब इधर ऐसे पेमेंट कर दें तो जो डिसअलाउड हुआ है ना वो 30% अलाउड हो जाएगा। पहले ये 100% अलाउड होता था नॉन रेजिडेंट के केस में, अब वो 30% अलाउड हो जाएगा क्योंकि 30% ही डिसअलाउड हुआ था। अब 30% वो अलाउड हो जाएगा, कब अलाउड हो जाएगा, जब हम TDS यहाँ तो डिडक्ट कर लें या टैक्स डिडक्ट कर चुके थे, पेड नहीं किए थे, तो आफ्टर ड्यू डेट हम अगर उसको पेमेंट करते हैं तो उस साल उसका डिडक्शन मिल जाएगा 30% जिस साल हमने ऐसा पेमेंट किया है। अब लेकिन इसमें नया झोल है, क्या है, कहा गया सुनो गवर्नमेंट को किस चीज से मतलब है, इन टोटालिटी व्हाट्स द इंपॉर्टेंट और द रेलिवेंट मैटर विच रिलेट्स टू द गवर्नमेंट। अल्टीमेटली गवर्नमेंट डोंट वॉन्ट टू हरास्ट यू, द गवर्नमेंट वॉन्ट इट्स अमाउंट ऑफ टैक्सेशन फ्रॉम द SSC इटसेल्फ, दैट्स इट। हमने तुमको गाना नहीं गा रहे, हमने तुमको क्या कोई पेमेंट किया, हमने तुमको कोई पेमेंट किया, और ये भी ना पूछा कौन हो तुम हमने तुमको पेमेंट कर दिया किसी ऐसे सम का जिस पर TDS चार्ज होनी थी, अब मैंने बिना TDS के तुमको दे दिया, क्या मुझे खर्चा अलाउड होगा। हाँ 70% बोलो ना, हाँ 70% अलाउड होगा। अगर 100 रुपया पेमेंट किया है 70 मुझे डिडक्शन मिल जाएगा, 30 रुपये की डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मैंने बाद में डिडक्शन दे दी या बाद में पेमेंट कर दिया ड्यू डेट के बाद तो मुझे वो 30 रुपये की भी डिडक्शन मिल जाएगी, बल्ले बल्ले। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, सो गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, मुझे SSC इन डिफॉल्ट मान लिया गया, लेकिन अब कहा गया यू वॉन्ट बी ट्रीटेड एज SSC इन डिफॉल्ट, कब, अगर इसने मेरे उस अमाउंट को अपने बही खातों में यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में चढ़ा लिया हो और उस अमाउंट पर जो यहाँ से वहाँ गया है उसको अपनी इनकम में शो किया हो और उस पर टैक्स गवर्नमेंट को दे चुका हो, तो मैं उस 30% की डिसअलाउबिलिटी से बच सकता हूँ। मैं इसको बोलूँगा कि तुम मुझे वो प्रूफ दो, मैं CA साहब से सर्टिफिकेट ले लूँगा और उसके बाद मुझे वो 30% भी अलाउड हो जाएगा। जो 30% डिसअलाउड हो रहा था ना वो डिसअलाउड नहीं होगा क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को प्रूफ दे दिया, देख जो मुझसे पैसा चाहिए था वो तो ऑलरेडी इसने जमा कर दिया, तो मैं कहाँ से बना SSC इन डिफॉल्ट। अब बात समझ में आई, पक्की बात है। अब अगर इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो गलत करके आओगे ना, मतलब गलत नहीं ना करके आओगे, बोलो पक्का। तो आपका ये सेक्शन भी होता है खत्म। अब तक हम लोगों ने जो देखे सेक्शंस अमेंडमेंट में, सेक्शन 32AC अमेंडमेंट हो गया, 35AD ये भी हो गया, 37(1) के दो एक्सप्लेनेशंस और सेक्शन 40(a) में दो प्रोविजंस, जो मेन थे दोनों में अमेंडमेंट आया। अब आते हैं सेक्शन 44AE, बस PGBP ख़त्म होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। सोचो कितना बड़ा हेडेक था PGBP, नहीं था 44AE, जिसमें तुम लोगों ने देखा था कि अगर कोई बंदा प्लाइंग हायरिंग यानी कि अपनी व्हीकल को रन करता था ट्रांसपोर्टेशन के काम में, पक्की बात है ना, चाहे हैवी व्हीकल्स होती थी चाहे लाइट व्हीकल होती, अब सीधा सीधा प्रोविजन आ गया, 10 से अधिक व्हीकल तो पहले भी मना थी अभी भी मना है,
पहले रूल था लाइट व्हीकल पर 4,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, और हैवी व्हीकल के लिए रूल था 5,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अब बेटा हटाओ दोनों, हटाओ दोनों, हमें इससे मतलब नहीं है हैवी है या लाइट है। अब सीधे सीधे 7,500 7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ हर व्हीकल के लिए मान लो, सीधा सीधा प्रोविजन है। अब 4,500 और 5,000 का रूल दिमाग में रखने की जरूरत नको, क्या रखोगे? केवल ओनली एंड ओनली 7,500, दैट्स इट। अब कोई दिक्कत हो तो बोलो। वो 10 वाला रूल वैसा ही है जैसा था, उसमें कोई भी आपके चेंजेस नहीं हुए। तो सर जी, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? सारे प्रोविजंस देख लिए, पीजीबीपी। अब बारी आती है कैपिटल गेन्स। चले, जब हम लोग कैपिटल गेन स्टार्ट करते हैं, देन इट इज स्टार्टेड विद चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 45(1) विच क्लियरली सेज। क्या बोलता है ये सेक्शन 45(1)? अमेंडमेंट इज देयर। इस सेक्शन में कोई चेंजेस नहीं, बस मैं तुम लोग को एक हिंट दे रहा हूँ कि आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं। सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 कहता है, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। अच्छा, क्या बोलता है कि कोई भी कैपिटल गेन जो अराइज होता है ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट से, तो उससे होने वाले फायदे को हम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल करते हैं इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट is chargeable to tax under the head capital gain in the same previous year in which the transfer taken place. That is your section 45 subsection 1. That was your charging section. But this section clearly specified that two conditions must be satisfied for the purpose of having chargeability under this head capital gain. Two conditions must be satisfied. There must be a capital asset and capital asset must be transferred. There must be a capital asset and capital asset must be transferred. बोलो, नहीं बोलोगे? कट्टी। There must be a capital asset and capital asset must be transferred. There must be a capital asset. Capital asset was defined under section 2 subsection 14 and transfer was defined section 2 subsection 47. That's it. सर जी, एक बात बताओ, अमेंडमेंट कितने आया है? अमेंडमेंट आया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में, और बहुत ही प्यारा सा अमेंडमेंट है, बढ़िया सा अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है, मैं पढ़ू फिर उसके बाद तोड़ तोड़ करके बताइए। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन जब हम लोग पढ़ते तो कैपिटल एसेट मींस, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ढंग से सुनना, कैपिटल एसेट मींस ऐसे क्या देख रहे, ऑल द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज, all the movable or immovable properties, whether connected with the business of the SSE or not, whether connected with the business of the SSE or not are capital asset. सारी की सारी movable और सारी की सारी immovable assets capital assets होती हैं।
चाहे वो एसएससी के बिजनेस से ताल्लुक रखती हो या ना रखे, दूसरी चीज, लेकिन इसमें शामिल नहीं है ये 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 ये। हम पुरानी डेफिनेशन बता रहे हैं और अब उसमें बात चेंज करेंगे। क्या क्या नहीं है? पहला, एग्रीकल्चरल लैंड विच इज नॉट टू बी सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड एरिया। अच्छा, नॉट लगाएं या ना लगाएं ये तुम लोग हमें बताओगे। दीज आर नॉट द कैपिटल एसेट्स, बट एक्सेप्ट का मतलब दीज आर नॉट द कैपिटल एसेट। एग्रीकल्चरल लैंड विच इज नॉट टू बी सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड एरिया या विच इज टू बी सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड एरिया, विच इज टू बी सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड। इतनी मार खाओगे तुम लोग जिसका कोई हिसाब नहीं। अरे स्पेसिफाइड एरिया तो शहर हो गया ना, स्पेसिफाइड एरिया शहर हो गया और तुम्हें रूरल एरिया को हटाना है, तो नॉट टू बी सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड एरिया ना। कितना प्लेन प्लेन याद कर लिया अर्बन और रूरल, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाओ। विच इज नॉट टू बी सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड एरिया। चलो अब वो रूरल अर्बन की डेफिनेशन आई है, बर्ड्स फ्लाइज वगैरह जानते ही होगे, 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर का रूल है, जानते ही होगे। 10,000 से 1,00,000 1,00,000 से ऊपर जानते हो ना, वो इस बार का अमेंडमेंट नहीं है, कहो तो उसको भी बता दे। चल तो पहला, एग्रीकल्चरल लैंड हमारी कैपिटल एसेट नहीं होती। दूसरा, स्टॉक एंड ट्रेड हमारी कैपिटल एसेट नहीं होती। तीसरा, पर्सनल इफेक्ट्स आर नॉट आर कैपिटल एसेट बट डजन इंक्लूड अगेन पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर्स, आर्ट वर्क, साइंटिफिक वर्क, ठीक है ना, ये हमारी क्या नहीं होती, पर्सनल इफेक्ट नहीं होती। इसका मतलब कैपिटल एसेट होती है, ये पर्सनल इफेक्ट नहीं होती, लेकिन इसका मतलब कैपिटल एसेट नहीं है। अच्छा, ना में ना, दो बार ना, ये गंदा नहीं है, इसका मतलब ये अच्छा है। दो निगेटिव, गंदा बैड निगेटिव और नहीं है, मतलब दो ना मिलकर क्या बनाते हैं, हाँ दो माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, प्लस, तो वही है कि इस ना में ना है तो इसका मतलब ये हाँ है, ठीक है ना। तो तुम्हारा ये कैपिटल एसेट है, पहली चीज। दूसरी चीज, एग्रीकल्चरल लैंड, स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, जिसमें ज्वेलरी भी है, मतलब ज्वेलरी को हटाया गया है, यानी वो कैपिटल एसेट है। हाँ, आगे बताओ, कैपिटल एसेट है ज्वेलरी, हाँ बोलो, ज्वेलरी कैपिटल एसेट है या नहीं है? ज्वेलरी कैपिटल एसेट है, इतनी मार खाओगे ना। ज्वेलरी कैपिटल एसेट है, क्या बात कर रहा है ये बंदा। ज्वेलरी पर्सनल यूज, अच्छा हाँ बात तो सही, वो कैपिटल एसेट। डंडा ले आओ तो बाहर से, आज आज दुनिया देखेगी कैसे सीए के बच्चों की चीख पुकार निकलती है। ज्वेलरी हमेशा और हमेशा कैपिटल एसेट मानी जाती है। हाथ में जो अंगूठी पहने हो वो कैपिटल एसेट है, गले में जो चेन पहने हो वो कैपिटल एसेट है, कान में जो बाली छा तुम लोग नहीं पहने वो पहने हो वो कैपिटल एसेट है, उसको तुम ये नहीं कह सकते वो कैपिटल एसेट नहीं है, भले ही वो पर्सनल यूज के लिए हो, ठीक नहीं है, यही है, ठीक है, एग्जाम देने जा रहे हो करा, ठीक है। ज्वेलरी कैपिटल एसेट होती है, ज्वेलरी कैपिटल एसेट होती है, और इसके बारे में दो केस लॉज हैं, जाकर घर पे पढ़ लेना। पहला पहला बनारसी लाल कटारिका और दूसरा महाराजा राणा हेमंत सिंह जी, ये दो केस लॉज पढ़ लेना। ये कह रहे महाराजा ने भी केस किया, अरे महाराजा केवल ये मत सोचो, बहुत साल पुरानी बात है, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, महाराजा राजा होते थे। आज भी कई लोग नवाब लिखते हैं, क्या बात कर रहे हो, नवाब पटौदी, ठीक है, सैफ अली खान, देखो इसको मान लो मैं। तो कहने का मतलब ये है कि
पहले तो दिमाग से निकाल लो, पता नहीं कैसे तुम लोगों ने क्या दिमाग में भर रखा है भूसा। अच्छा सुन लो, इसीलिए तुम लोग पीछे गाया गाया दौड़ती है। तो ज्वेलरी कैपिटल एसेट, नहीं सुनाई दिया। हाँ तो बोलो ना, है पेंटिंग, ड्राइंग, आर्टवर्क, स्कल्पचर्स, साइंटिफिक वर्क, पक्की बात है ना, और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ये हमारा कैपिटल एसेट नहीं होता। एग्रीकल्चरल लैंड, पर्सनल इफेक्ट, स्टॉक एंड ट्रेड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एंड स्पेशल बियरर बॉन्ड, बियरर बॉन्ड, ये हमारी कैपिटल एसेट्स नहीं होती। अब आते हैं जो हमें बताना है अमेंडमेंट। कैपिटल एसेट को पहले ही दो पार्ट में तोड़ दिया। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस। ढंग से सुनना, कैपिटल एसेट मींस, सोचो अब तक हम कैपिटल एसेट उतना पढ़ करके छोड़ देते थे, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। अब वो बिल्कुल जो हम लोगों ने पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा, उसको बिल्कुल किनारे कर दो। अब कैपिटल एसेट को और डिफाइन कर दिया गया, मतलब दो पार्ट में कैपिटल एसेट को तोड़ दिया गया। कैपिटल एसेट मींस जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ना, वो सब यहां रख दो। अब इसी में एक और वर्ड जोड़ दो, ये नई चीज आई है जो तुम लोग को जाननी, जो था वो है और जो नया आया है वो पार्ट बी। कैपिटल एसेट मींस एनी सिक्योरिटी held by foreign institutional investor which has invested in stock market in accordance with the SEBI guideline, that's it। ek line ki baat hai। capital asset means securities held by FIIs, foreign institutional investor, as per SEBI guideline। पक्की बात है ना, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट किया है सिक्योरिटीज में, स्टॉक मार्केट की सिक्योरिटीज में, फिर से बोल रहा हूं, सेबी कहां काम करेगी, स्टॉक मार्केट की सिक्योरिटीज में। तो अगर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है किसी सिक्योरिटी को एक्वायर करने में, और कोई एफआईआई है, एफआईआई केवल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में, सिक्योरिटी हेल्ड की है, वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। अब सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, भले ही वो स्टॉक या सिक्योरिटी खरीद करके बेचने का काम करे तो भी वो कैपिटल एसेट होगी, पीजीबीपी नहीं होगी। क्या क्या? अब आगे से ये हमेशा याद रखना कि अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी कैपिटल एसेट को जो सिक्योरिटी के फॉर्म में है, जो स्टॉक एक्सचेंज से उसने खरीदी है, इन्वेस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, तो वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। सर इसमें नया क्या है? बेटा नया बस इतना है, भले ही उसका बिजनेस हो खरीदना और बेचना, तो भी वो पीजीबीपी में नको। है ना बड़ी बात? है ना? बोलो बोलो, पक्का? ब्रोकर होगे मतलब उसमें ना, ब्रोकर आएगी उसमें ना।
सकते हैं। एक सेक्शन है कैपिटल गेन में सेक्शन 51, जिसकी हेडिंग रहती है एडवांस मनी फॉरफिटेड। सेक्शन 51 एडवांस मनी फॉरफिटेड। अब तक क्या रूल था और अब क्या रूल हो गया है? अब तक जो रूल था दैट वॉज क्वाइट डिफरेंट। अब तक जो रूल था वो बिल्कुल डिफरेंट था। अगर एडवांस मनी फॉरफिट करते थे तो हम तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखते थे। जब भी एडवांस मनी फॉरफिटेड की बात आती थी तो हम इन तीन पॉइंट्स को बिल्कुल दिमाग में सेट रखते थे। पहला पॉइंट कि अगर हमने कोई एडवांस मनी फॉरफिट की है तो उससे उस समय कुछ नहीं होगा जब मैंने मनी फॉरफिट की, बल्कि मान लो ईयर 2015 साल पहले मैंने इसको कहा एसेट खरीदेगा, इसने कहा हाँ खरीदूंगा, मैंने कहा कुछ एडवांस दे दे, इसने कुछ एडवांस दे दिया मान लो 1,00,000 रुपए, और बाद में इसने पैसे नहीं दिए, मैंने इसका अमाउंट फॉरफिट कर लिया, 1,00,000 रुपए मुझे मिल गया। अब 15 साल बाद आज मैं इस एसेट को इसको बेच रहा हूँ, आज 15 साल बाद मैं इस एसेट को इसको बेच रहा हूँ, बदलापुर, आज इन 15 साल बाद मैं इस एसेट को इसको बेच रहा हूँ। अब 15 साल बाद जब मैं बेचूंगा तो मैं लिखूंगा सेल कंसीडरेशन, जितना पैसा इससे मिला, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या WDV या फेयर वैल्यू या ईयर 81 की फेयर मार्केट वैल्यू, जो भी केस हो उसमें से हम इसका अमाउंट 1,00,000 रुपए लेस कर देते थे। यही तो करते थे, यही करते थे। सोचो सरकार को 15 साल इंतजार करना पड़ा कि ये बंदा एसेट बेचेगा तो हमको वो माइनस करना पड़ेगा, ये जब एसेट बेचेगा वो हम माइनस करेंगे, लेकिन अब वो इंतजार की घड़ियां सरकार की खत्म हुई और सरकार ने सीधे एक लाइन बोली कि जैसे ही तूने इससे छीना तू अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लो, जैसे ही तूने इससे पैसा छीना तुम अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लो, जब बेचना तब देखा जाएगा, जो कॉस्ट माइनस करते हो माइनस कर लेना, उसका ट्रीटमेंट तो हम उसी समय कर देंगे जैसा ही इसका पैसा मिलेगा, अब वो टेंशन नहीं है। ये टेंशन कब से नहीं है और क्या कब से नहीं है, ये फर्स्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, ये दिमाग में रखना, उल्टा ना बोलो, मैं वही बोलने जा रहा हूँ, ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद होने वाले इस तरह के फॉरफिटेड अमाउंट पर ये रूल लगेगा, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मैंने छीना है 10 फरवरी 2014 को, बच्चे तुरंत कहेंगे नया रूल लगाओ, चलो ये करके दिखाओ और माइनस कर देंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मान लेंगे ना बेटा ना। अगर 31 मार्च 2014 31 मार्च 2014 तक अगर आपने कोई अमाउंट फॉरफिट की एडवांस की, इट विल बी ट्रीटेड एज पर द ओल्ड प्रोविजंस, यानी उसको हम उसी तरह से आगे जब सेल करेंगे तो लेस करेंगे, लेकिन 1 अप्रैल 2014 ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लेंगे, दैट्स इट। कितना सेल करेंगे तब माइनस करेंगे, अरे दो दो बार इनकम मानोगे, अरे जब तुम्हारी इनकम उसी समय मान लिए तो सरकार को टैक्स मिल गया, झंझट खत्म हो गया, जब मैंने इसको एसेट सेल की जितने में खरीदी थी माइनस कर दो, काम हो गया, अब दोबारा माइनस करने की क्या जरूरत है बेटा, उस समय तो तुम्हारा टैक्स तो लगा ही दिया ना, तुरंत का तुरंत टैक्स लगा दिया, हाँ तो बाकी 15 साल इंतजार नहीं करना। अब क्लियर हुआ, पक्का कसम से। इसमें दो पॉइंट हम लोग और याद रखते थे, हैं तो नहीं अमेंडमेंट, लेकिन चूंकि 31 मार्च 2014 के पहले का एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो ये दो पॉइंट बाकी और भी इंपॉर्टेंट है, बता दें। पहला पॉइंट था कि अगर कोई हम अमाउंट फॉरफिट करते थे तो हम उसको
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस कर देते थे। दूसरा, अगर मैंने 1 अप्रैल '81 के पहले फॉरफिट किया है, जो अभी भी रेलिवेंट है 31 मार्च 2014 के रूल्स के अकॉर्डिंग, अगर मैंने 1 अप्रैल 1981 के पहले कोई अमाउंट फॉरफिट किया है तो क्या उसको लेस करोगे? बिल्कुल करेंगे। आपने अमाउंट फॉरफिट किया है 1 अप्रैल '81 के पहले या बाद में, कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या पड़ेगा भाई, छीना है पैसा, फोकट में आया है मेरे पास, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लो मेरे पास जो एसेट आई थी मेरे पिताजी ने दी, मेरे पास एसेट आई, पिताजी ने छीना था 1 लाख रुपए, मैंने छीने 2 लाख रुपए। अब बताओ, जब मैं इस एसेट को 15 साल बाद इसको बेचूंगा तो मैं कितना माइनस करूंगा? 2 लाख या दोनों का मिलाकर 3 लाख? केवल 2 लाख जो मैंने छीना। कत्ल मैं करूं और सजा तुमको मिले, ये फायदा नहीं। क्लियर है? पक्की बात है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं माइनस करेगा। तो उसमें से माइनस कर देना, बिल्कुल माइनस कर दोगे। मैंने बोल दिया है एज द केस मे बी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपका जवाब है। April 2014। अब तक हम लोगों ने जितने सेक्शन देखे, जरा रिकैप किया जाए। हम लोगों ने सेक्शन 32 AC देख लिया, सेक्शन 35 AD देख लिया, सेक्शन 37(1) के दोनों एक्सप्लेनेशंस देख लिए, जिसमें पहला एक्सप्लेनेशन था इलीगल पेमेंट्स का डिडक्शन नहीं मिलता, और दूसरा एक्सप्लेनेशन था कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्शन 40 देख लिया था, जिसमें नॉन रेसिडेंट को हम पेमेंट कर रहे थे, TDS वाला 100% डिसअलाउड हो जाता था, बाद में 100% अलाउड हो जाता था। सेक्शन उसी में ही दूसरा पार्ट देगा रेजिडेंट के केस में, जिसमें 30% डिसअलाउड होता था और 30% अलाउड होता था, लेकिन उसमें भी एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाता था अगर सामने वाला बंदा उस अमाउंट को सही समय पर डिपॉजिट कर देता है और उसका सर्टिफिकेट मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से ले लेता हूं तो। अब क्लियर है? उसके बाद मैंने कौन सा सेक्शन देखा? सेक्शन 44 AE छोड़ गए, 44 AE देखा था, बिल्कुल 7,500 वाला। उसके बाद हम लोगों ने देखा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या देखा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 एंड द लास्ट सेक्शन 51। अब आपके दो सेक्शन केवल रह गए कैपिटल गेन में, और मिसलेनियस एक दो सेक्शंस और हैं जो नेक्स्ट क्लास में क्या होंगे? ख़त्म होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। कोई दिक्कत है? पक्का? किसी भी तरह की डाउट हो तो बोलो। पक्का? थैंक यू बच्चों।